इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो इन दो क्वांटिटीज में से हम m ओमेगा स्क्वायर r को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर r यहां से कॉमन आया तो पीछे बच गया 1 माइनस m भी कॉमन चला गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन चलेगा, पीछे क्या रह गया रो इनटू v बार, ठीक है, माइनस fv, माइनस fv व्हिच इज मस्ट बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हो गया, उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू तो मुझ साइड पे ले जा